2022 खत्म हो रहा है, 2023 चालू होने वाला है, नया साल आ रहा है। लोगों ने अपने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन तैयार कर रखे होंगे हर साल की तरह। कितने फॉलो करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, कुछ लोगों ने तो लंबी लंबी लिस्ट बना रखी होगी भाई, हजारों रेजोल्यूशन की। खैर वो तुम्हारी मर्जी है, पर अगर तुम नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारा टारगेट है कि इसमें अपना मैक्सिमम आउटपुट देना और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना, तो ये तीन रेजोल्यूशन मैं तुमको दे रहा हूँ। ये तीन बातें हैं, ये तीन हैबिट्स हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि 1 जनवरी से चाहे कुछ भी हो जाए तुम इन तीन चीज़ों को फॉलो करने वाले हो। अगर फॉलो करोगे तुम एग्जाम में अपना एक मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे एंड मे बी यू विल एंटर इन टू इंडियाज बेस्ट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो यार, है ना, दोनों एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है ना। जनवरी अपना जो जेई मेन है वो जनवरी और अप्रैल में हो रहा है ना, उसका एडवांस होगा। नीट अपना मई में हो रहा है ना, तो एग्जाम पास आने वाला है ना। और इस वक्त तक सब लोगों की अपनी अपनी यार पढ़ने की हैबिट थी, अलग अलग टाइम पे पढ़ रहे थे। कुछ लोग दिन में जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं। सब अपने अपने अलग टाइम पे सो रहे हैं, अलग टाइम पे पढ़ रहे हैं। एंड हम भी यही बोलते हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, इट इज कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ाई होनी चाहिए, तो मैं दिन के 12-14 घंटे पढ़ना है वो पढ़ाई होनी चाहिए, कभी भी सो कभी भी उठो। बट बात यह कि अब एग्जाम आ रहा है और हमारा एग्जाम जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो हमको अब अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट करना स्टार्ट कर देना है। जनवरी एग्जाम के लिए तो बहुत कम वक्त है, जो बच्चे अप्रैल और मई में देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ये जो स्लीपिंग स्केड्यूल है ये पूरी साइकिल, इसको सही करने में कई बार बहुत इशू आता है। तो तुम्हें ये कोशिश करनी है अब से तुम्हें अपना स्केड्यूल सही करना चालू कर देना है ना। तो जिस वक्त तुम्हारा एग्जाम होता है 9 PM, 3 PM, 12, जो भी एग्जाम तुम देने जा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि उस टाइम तक, है ना, उस एग्जाम से 2 से 3 घंटे पहले तक तुम किसी भी हाल में उठ जाओ, ताकि उस समय तक तुम्हारा दिमाग मैक्सिमम एक्टिव हो और उसके 4-5 घंटे बाद तक तुम ना सो। ये तुम्हें ध्यान रखना है, तब तुम्हारा उस पीरियड में तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट देके आओगे एग्जाम में भी ना, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग उस चीज के लिए तैयार होगा। एंड मेक श्योर कि उस टाइम पे तुम पक्का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्लासेस करो, कुछ ना कुछ करो, है ना, उस समय तुम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिव रख रहे हो। इसी के साथ साथ तुम्हें अपना टाइम टेबल भी अब प्रिपेयर कर लेना है ना। आई होप वैसे मैक्सिमम बच्चे अपने टाइम टेबल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, पर जो बच्चे नहीं कर रहे हैं मेक श्योर कि एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टाइम टेबल दोनों क्रिएट कर लेना। जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो ऑफकोर्स है ना, सबका ऐसा होता है ना कि जब जब प्रिपरेशन नई नई चालू होती है तो बड़े जोश में कर रहे होते हैं ना, फिर बीच में ये नवंबर दिसंबर अक्टूबर वगैरह का टाइम आता है कि हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, मतलब कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े ढीले पड़े होते हैं। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों के साथ हुआ ना। पर जब जनवरी आता है ना, जब नया साल आने वाला, तो एकदम से यार मतलब इट्स लाइक कि एकदम से हम रियलाइज करते हैं हम क्या कर रहे हैं यार, थोड़े दिन में एग्जाम है, 3-4 महीने में हमारा एग्जाम आने वाला है, तो भाई पढ़ना चालू कर देना है ना। तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज इन कोटा एट द टाइम, मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, तो हम लोगों ने डिसाइड करा भाई अब ये बहुत हो गया जो होना था, अब इससे जब तक एग्जाम नहीं होगा तगड़ी वाली पढ़ाई करनी है। तो 31 दिसंबर को हम लोग बैठे, हम लोग हमने सोचा कि नाइट में हम पढ़ने वाले, हम कोई इन्जॉय नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, भाड़ में जाए जो लोग कर रहे हैं। हम रात के 11 बजे बैठे, हमने पढ़ना चालू करा, न्यू ईयर था, हम पढ़ते रात के 2-3 घंटे तक, और वो चीज़ एक्चुअल में ना वो मोटिवेशन एक्चुअल में काम कर रहा था। उसके बाद मैंने अपना 100 डेज का एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया, 100 डेज का एक बड़ा सा पोस्टर लेके आया, उस पर लिख लिया कि यार मैं किस किस दिन क्या क्या करने वाला, एक टारगेट बना लिया मोटा मोटा कि यार मुझे केमिस्ट्री इतने दिन में इतना करना है, फिजिक्स का इतना करना है, मैथ्स में इतना करना है। तुम भी अपने एक टाइम टेबल बना लो, तुम्हारे पास जितने भी दिन बचे हैं, कि भाई ब्रॉड टाइम टेबल बना लो कि यार मेरे पास इतना सब है, इतना सिलेबस होना है, फिर इतना रिवीजन करना है, फिर ये टाइम पे मैं मॉक टेस्ट दूंगा, एक एक ब्रॉड टाइम टेबल बना के रखो। इसको बनाने में तुम्हें 2 से 3 घंटे लगेंगे आराम से, पर वो 2 से 3 घंटे बेटा बर्बाद नहीं होते, वो 2 से 3 घंटे तुम अपने आप से कमिट कर रहे हो कि तुम ये करने वाले हो, वो 2 से 3 घंटे तुम्हें वो उस लेवल का मोटिवेशन देंगे ना कि तुम उसको फॉलो कर पाओगे, वो बहुत जरूरी होता है। और मैं फॉलो कर पाया था, उसके बाद जो 100 दिन थे उसमें मैंने तगड़ी तैयारी करी थी, अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करा था। और इसके साथ साथ तुम्हें डेली टाइम टेबल भी बना लेना है प्रॉपर, कि किस टाइम पे सोने वाले हो, किस टाइम पे तुम बताए एग्जाम देने वाले हो, क्लासेस करने वाले हो। और वो मैं तुम्हें टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि खुद का टाइम टेबल कैसे बनाना है, कंसिस्टेंसी कैसे क्रिएट करनी है, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके तुम देख सकते हो ना, सर्च मार लेना, चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट याद रखना, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वो अपने एग्जाम टाइम पे देना, जिस टाइम पे तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम होता है। अगली चीज है ना, हेल्दी खाना, है ना, क्या होता है कि हमारा मन करता है ना टेस्टी टेस्टी खाएं, समोसे खाएं, पानीपुरी खाएं, मोमोज खाएं, छोले भटूरे खाएं और अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, सबका कर रहा है यार, है ना। पर हेल्दी खाने के देखो बहुत सारे फायदे होते हैं ना, बहुत सारे फायदे होते हैं, पर एज ए स्टूडेंट स्पेशली जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, तुम्हें पता है यार, जितना समय तुम्हें चाहिए उससे बहुत कम समय तुम्हारे पास, और हर एक इंसान के पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर गलती से भी तुमने उल्टा सीधा कुछ खा लिया,
और मान लो तुम 2-3 दिन के लिए भी बीमार हो गए, कुछ गड़बड़ हो गए, पेट ही खराब हो गया, तुम्हारे 3 दिन निकल के तुम्हारी क्लास चली गई, तो बेटा वो 3 दिन की या 2 दिन की क्लास कवर करने में, बैकलॉग कवर करने में, होमवर्क करने में, डीपीपी करने में नानी याद आ जानी है, नहीं हो पाता, एग्जाम छूट जाते हैं, एकदम से ब्रेक आ जाता है हमारी पढ़ाई में, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त तुम्हें ध्यान रखना है ना, तो घर का साफ सुथरा खाना खाओ ना, और देखो अच्छे खाने खाने के और भी बहुत सारे भाई फायदे तो हैं तुम्हारा, क्योंकि व्हाट यू ईट इज व्हाट यू बिकम, है ना, तुम्हारी बॉडी जब अंदर से अच्छा फील करती है, अगर तुम भाई बहुत ज्यादा तेल मसाला और पता नहीं क्या क्या खाया जा रहा हो, तो पेट में दिन भर तुम्हें अजीब अजीब सा फील होगा, वो फील होगा तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छा नहीं, ऐसे काम नहीं करने वाला है ना, तो तुम्हें हेल्दी फील करना जरूरी है ना, बॉडी से भी हेल्दी फील करना है, दिमाग से भी हेल्दी फील करना है ना, तो ये अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है सबका मन करता है वीक में एक चीट मील कर लो, 2 चीट मील कर लो, बट मैक्सिमम टाइम हेल्दी फूड खाओ, अगर कुछ खा रहे हो तो ये ध्यान रखना भाई, कुछ इतना अनहाइजेनिक मत खा लेना कि बीमार पड़ जाओ, और बीमार पड़ जाओ तो बेटा फिर ब्रेक आ जाएगा ना, एग्जाम तक तो एटलीस्ट कंट्रोल करना चालू कर दो, ऑल्दो ये पूरी लाइफ की एक हैबिट होती है जो तुम्हें पूरी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए ना, पर एग्जाम तक तो किसी भी हाल में तुम्हें बोलो ना ये कसम अभी खा लो कि करनी करना है, अब जो नया साल आ रहा है उससे एग्जाम तक तो कुछ भी हो जाए मुझे ये हैबिट फॉलो करनी करनी है, मैं उल्टा सीधा नहीं कहूंगा, एक एक दिन और एक एक मिनट और एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज मेंटल हेल्थ यार, है ना, ये तो लगभग हर दूसरे बच्चे आके यही कहानी सुना रहा होता है, सर टेंशन हो रही है, सर डिप्रेशन आ रहा है, सर प्रेशर आ रहा है, सर रोना आ रहा है, सर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करें। देखो एक चीज है, तो पढ़ाई तो हमें तगड़ी वाली करनी है, प्रेशर भी बहुत होता है और वो रहेगा, एग्जाम भी देना है हमें, इन सब में हमें रिलैक्स नहीं करना, पर हमें मेंटली हेल्थी रखे करना है ये सब, ये करना है, ये सब करना है तभी निकलेगा एग्जाम, बिना उसके नहीं निकलने वाला। रिलैक्स हो गए, तुमने कहा कि सर मैं सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ाई करूंगा पूरे दिन में, बाकी टाइम रिलैक्स होगा, नहीं होने वाला भाई तुम्हारा एग्जाम, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा दिन के 12-14-15 घंटे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई नहीं है, तुम्हें बहुत सारे मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे, नंबर नहीं आएंगे उसका एनालिसिस करेंगे, फिर फाइट मारेंगे, फिर नहीं आएंगे फिर फाइट मारेंगे, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, कई बार ज्यादा आएंगे, कई बार फिर से डिप करेंगे, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा, ये होगा। पर देखो बात क्या है, देखो पढ़ाई करनी है, बिल्कुल करनी है ना, पर वो पढ़ाई खुश रह के करनी होती है, एक समझो मेंटल हेल्थ और हमारा जो एटीट्यूड होता है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। दिमाग की ट्रेनिंग तो करनी है, दिमाग से करवानी है मेहनत, बहुत मेहनत करवानी है, पर खुशी खुशी करनी है ना। सोचो यार, जो लोग जिम में जाते हैं, जिम में जाकर तुम वर्कआउट करते हो, तुमने अगर कभी पुशअप वगैरह मारी हो तो भाई थोड़ी सी पुशअप मारने के बाद दर्द देने लगता है ना, फिर भी लोग रेगुलरली मारते हैं, क्यों मारते हैं? अब ऐसा थोड़ी ना कि वो करते वो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अरे दर्द होता है पर दुखी नहीं होते ना यार, वो कर रहे हैं क्योंकि उससे तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हें लॉन्ग टर्म फायदे होने वाले हैं, मजा भी आता है। तो वही चीज समझो, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी है, बहुत सारी करनी है, पर दुखी रह के करनी, तुम्हारा तुम किस एटीट्यूड के साथ उसको अप्रोच करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो यार अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हें इस चीज के बारे में कॉन्शियस रहना है कि जब भी तुम पढ़ाई करने जा रहे हो खुशी खुशी जाना है ना, स्टडी हैप्पीली, हंसते हुए जाओ ना यार, स्माइल करो यार, स्माइल, पढ़ना है रोज पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, पर खुशी खुशी पढ़ना है, रो रो के नहीं पढ़ना, और रो रो के पढ़ाई होती भी नहीं यार, तुम्हारा दिमाग फिर काम नहीं करता, तुम्हारी इफिशियंसी नहीं रहती, यही चीज एग्जाम में भी ध्यान देनी यार, है ना। ऑल्दो एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है ना कि एग्जाम में काम रहकर कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट देना, कैसे कॉन्फिडेंटली देना है, और जो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं उस समय हमें क्या करना है ना? पर ये ध्यान रहो, है ना, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुश रहना है ना। देखो प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि दुखी रहना है, ऐसे कई टीवी शोज और कई मूवी में दिखाते हैं कि भाई प्रिपरेशन के दौरान लोग बहुत परेशान हुए जा रहे हैं, और है भी सच्चाई भी है, मतलब अगर तुम रिसेंटली देखो तो कितने सारे सुसाइड वगैरह के भी केसेस आए हैं भाई, बच्चे कर लेते हैं ना, तो ये सब क्यों, ये सब मेंटल हेल्थ के कारण ही तो हो रहा है ना। तो यार अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है ना, प्रिपरेशन करना, जेई की तैयारी करना, नीट की तैयारी करना, करना है मेहनत करना, पर इसका मतलब दुखी नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है ना, खुशी खुशी करना है। और ये चीज़ तुम भी जानते हो, जब तुम कोई काम खुशी खुशी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है ना, फिर वो मेहनत जैसा नहीं होता। जैसे जब तुम क्रिकेट खेलने जाते हो यार, तो रो रो के थोड़ी ना खेलते यार कि 2 घंटे और खेलना पड़ेगा, 3 घंटे और खेलना पड़ेगा, अरे उस समय में मेहनत हो रही है, सांसें तेज चल रही, थक रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पर मज़ा आ रहा है ना यार। तो उसी एटीट्यूड के साथ हमको पढ़ाई को अप्रोच करना है ना, तो इस चीज़ को डेवलप करो। आई होप इन 3 बातों का ध्यान रखना, ये 3 बातें अगर तुम ध्यान रख रहे हो तो इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। इसके साथ अगर तुम मेडिटेशन और इंक्लूड कर लो, जो चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ लोग करते नहीं है ना, करते नहीं है, और अगर तुम इसको इंक्लूड कर लो, इन द लॉन्ग टर्म यू विल सी रिमार्केबल चेंज। और मैं ये कहूँगा ये वाली हैबिट सिर्फ एग्जाम तक नहीं, पूरी लाइफ के लिए करो, है ना। दिन के 5-10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन, है ना, यूट्यूब पे जाके गाइडेड मेडिटेशन लिखो यार, ईयरफोन लगाओ, आंख बंद करो, 5 मिनट तो यार सबके पास होते हैं, 5 मिनट तो शांति से बैठ सकते हो ना, और फिर तुम्हें पता चलेगा हमारा दिमाग कितना भाग रहा होता है। अगर तुमने ये एक हैबिट डेवलप कर ली ना, तो सारा स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन, ये सब धीरे धीरे सब गायब हो जाएगा ना। तुम उस सिचुएशन में कभी नहीं जाओगे ना कि जहाँ पे लोग गलत कदम उठा लेते हैं ना, अपने आप तुम अंदर से एक ईजीनेस, है ना, एक बैकग्राउंड में ईजीनेस, शांति सी फील होती है,
हो सकता है एग्जाम में अभी भी उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे, बट तुम पीसफुल रहोगे, और जब तुम पीसफुल रहोगे तुम राइट स्टेप्स ले पाओगे राइट डायरेक्शन में, ताकि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसको फिगर आउट करके उसको लॉजिकल वे में उसको सॉल्व करें ना, रादर देन अटैचिंग योरसेल्फ इमोशनली टू इट, है ना, कि नहीं आ रहे नंबर तो रोए जा रहे हैं, रोने से कब किसकी हेल्प हुई है ना, फिगर आउट करो ना यार, फिगर आउट करो कि भाई ये दिक्कत हो रही है, ठीक है नंबर इस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो अब उसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं, उस एक्शंस को लो, एक्शंस लोगे इंप्रूवमेंट होगा, तो खुशी खुशी पढ़ाई करनी, इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें ना, ठीक है भाई। तो आई होप ये चीजें तुम ध्यान रखोगे। इसके बाद देख लो भाई, जो भी नीट और जेई के बच्चे हैं, अगर इस वक्त तुम लोग अनअकैडमी पे आके पढ़ना चाहते हो, है ना, जो कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं, इस वक्त न्यू ईयर पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है ना, रिजॉल्व 2023, जिसमें तुम्हें 23% तक ऑफ मिल रहा है, जेई के बच्चों के लिए भी है और ये नीट के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ना। तो जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिस इज माई रेफरल कोड, मैं अपना रेफरल कोड बता देता हूँ, फिजिक्स लाइव ना, ठीक है। अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इससे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। उसी के साथ जो जेई मेन के एस्पायरेंट हैं उनके लिए अनअकैडमी ने एक ऑल इंडिया लेवल की फ्री टेस्ट सीरीज चालू करी है, जो हर संडे हो रही है, बिल्कुल एक्जैक्टली जेई मेन के टाइम पे ना, क्योंकि तुम्हारा जनवरी में एग्जाम है, तो एक्जैक्टली उसी टाइम पे तुम्हारी हो रही है, कंप्लीटली फ्री है सबके लिए, पूरे तुम्हें पूरा ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन मिल रहा है ना, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी तुम्हें ऑनलाइन तुम उनको दे सकते हो, ताकि तुम्हें एक्जैक्टली जेई का फील मिले ना। तो आई थिंक ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले, दिस इज कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, है ना, और इसमें जो टॉप 100 परफॉर्मर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप भी है ना, ठीक है। नीट के बच्चों के लिए भी सेम टेस्ट सीरीज चालू होगी, जब नीट का एग्जाम पास आने वाला हुआ है ना, तो इसमें भी एनरोल कर सकते हो तुम लोग, है ना, है ना, ठीक है भाई, है ना। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, सी यू गाइस, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर, है ना। और ये तीन बातों का ध्यान रखना यार, देखो जब तुम सोचोगे ना कि तुम्हें हैबिट्स को फॉलो करना है ना, जब तुम सोचोगे कि करना ही करना है तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे।